झूलवा झूल रहे हैं। गाइस ये देखिए छोटा ट्रेन है, आप लोग इस पे बैठ के घूम सकते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर, जिसको संजय गांधी जैविक उद्यान बोला जाता है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं आज का ब्लॉग। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं चिड़ियाघर के पास। चलिए आप लोग को दिखाते हैं चिड़ियाघर अंदर की ओर जाकर के। हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग को लेना पड़ेगा टिकट, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं टिकट घर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हम लोग को टिकट मिल चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं अंदर का सीन। बाय। तो हेलो गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं। चलिए आप लोग, हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो ये देखिए, तो गाइस ये है मैप पूरे पार्क का, और हम लोग को कहाँ जाना है, किधर जाना है, यहीं से जाना पड़ेगा समझ कर। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये वहाँ पे बैठा हुआ है। अरे बुलिया राहुल केरा लो कोई थी। ए पागल है। Found the dust I was born to the। तो ये देखिए यहाँ एक गिद्ध है, यहाँ पे दिखा दो, ये रहा गिद्ध। शेर, और उधर आप लोगों को दिखाया गया है वो है शेरनी, वो उधर घूम रही है। और ये बेचारा यहाँ पे सो रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे, और भी बहुत सारा है इसमें देखने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाइट टाइगर है, देख सकते हैं आप लोग। चलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे देसी भालू, ये रहा देसी भालू। ये है अफ्रीका का निवासी, जिसे शुतुरमुर्ग बोला जाता है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा है ये पक्षी। हम अंदर की ओर जा रहे हैं, देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए उधर से पानी गिर रहा है। देख सकते हैं ये है कचिया। पानी नहीं है, कछुआ के छोड़ दिया। अंदर काफी गर्मी था,
हम लोग आ चुके हैं बाहर, देखिए तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये है जेब्रा। एक इधर है और शायद आगे भी एक है, इसको हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हमको तो पता नहीं है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, आगे हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं। अरे हाँ, फिर से वीडियो करने पर बहुत हिलता है। तो गाइज ये है गेंडा, देख सकते हैं आप लोग ये कितना मोटा है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिराफ है, यहाँ पे एक नहीं दो दो जिराफ है, देख सकते हैं आप लोग किधर है। तो गाइस ये है झुलवा, यहाँ पे आप लोग झुलवा देख सकते हैं, आराम से कीजिएगा, उधर पहले मारेगा तब इधर करिएगा। चलिए लोग मास्टर राजीव राज जो कि झूलवा झूल रहे हैं। ये लोग देख सकते हैं ये है महंत जी जिनका नाम है महंत हनुमंतरी। हम बोले सो गाइज यहाँ पे आप लोग को ये दिखाया जाता है कि एक इंसान को किस बीमारी में कौन सा दवा लेना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड को, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है कौन सा दवा लेना चाहिए किस बीमारी में। गाइस आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों को काटकर रास्ता बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइज हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को ऐसा ऐसा ब्लॉग आगे मिलता रहेगा तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। एंड अब हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाने, तो देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग एक वाइट हाथी है एंड ब्लैक हाथी है और एक झरना बह रहा है। गाइस ये देखिए छोटा ट्रेन है, आप लोग इस पे बैठ के घूम सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।